नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माइक्रोमैक्स इन नोट 1 वर्सेस लावर अग्नि 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 6.5 इंच जबकि लावर अग्नि 5G में 6.65 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 3.03 इंच जबकि लावर अग्नि 5G में 3.02 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 0.35 इंच जबकि लावर अग्नि 5G में 0.36 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 196 ग्राम्स जबकि लावर अग्नि 5G में 204 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि माइक्रोमैक्स इन नोट 1 से ज्यादा है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 6.67 इंचेस जबकि लावर अग्नि 5G में 6.78 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 1080x2400 और लावर अग्नि 5G में 1080x2460 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 84.55% जबकि लावर अग्नि 5G में 84.33% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 395 पिक्सेल प्रति इंच जबकि लावर अग्नि 5G में 396 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और लावर अग्नि 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और लावर अग्नि 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में माली G52 MC2 जबकि लावर अग्नि 5G में माली G57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में मीडियाटेक हीलियो G85 और लावर अग्नि 5G में मीडियाटेक डायमेंसिटी 810MT6833 मिलता है। बात करें रैम की तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 4 GB जबकि लावर अग्नि 5G में 8 GB रैम मिलती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो दोनों फोन में सेम ही 128 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256 GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में एंड्रॉइड V10Q जबकि लावर अग्नि 5G में एंड्रॉइड V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में 2 कलर्स जबकि लावर अग्नि 5G में 1 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो
माइक्रो मैक्सिन नोट 1 4 GB रेम 128 GB स्टोरेज के साथ 12,499 रुपीस में मिल जाता है। और बात करें लावर अग्नि 5G की तो वो 8 GB रेम 128 GB स्टोरेज के साथ 17,999 रुपीस में मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में लावर अग्नि 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में लावर अग्नि 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी F12 है जो कि 11,999 रुपए में मिलता है। दूसरा वन प्लस नॉर्ड से 5G है जो कि 27,999 रुपए में मिलता है। तीसरा शाओमी पोको M2 प्रो है जो कि 12,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें रियलमी 7 है जो कि 14,999 रुपीज में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।